नमस्कार, स्वागत है LNME नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU दरभंगा के पार्ट टू एग्ज़ाम 2024 के बारे में। पार्ट टू सेशन 22 से 25 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको प्रैक्टिकल का रूटीन जारी हो चुका है, ठीक है। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम डेट ऑनर्स का सब्सिडरी का जो है वो जारी हो चुका है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका जो है वो 27 मई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसके बारे में जानकारी आपको दे दिया गया है। वीडियो आप जो है वो देख लीजिएगा, वहाँ पे पूरा डिटेल जो है वो नोटिस के साथ आपको बता दिया गया है। वीडियो पूरा नहीं देखने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि जो थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम है वो कब होगा, ठीक है, या फिर जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो पहले ही क्यों लिया जा रहा है, थ्योरी के बाद लिया जाता था, ऐसा जो है वो कॉमेंट आ रहा है। कोई कोई जो है वो मैसेज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम हो, जो थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम होता है बीए बीएससी बीकॉम पार्ट टू सेशन 22-25 या फिर एक्स रेगुलर स्टूडेंट का सेशन 21-24 20-23 में जो प्रमोटेड थे या फेल थे वो लोग भी पार्ट टू का फॉर्म भरे हैं, वो लोग को भी जो है एग्ज़ाम देना है फिर से। तो सब जो है वो सबका इकट्ठा जो है वो ये इन्फॉर्मेशन होने वाला है कि पार्ट टू का जो है वो एग्ज़ाम थ्योरी पेपर का कब से स्टार्ट हो सकता है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले लिया जा रहा है, हाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले लिया जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो मार्क होता है वो कॉलेज से अपलोड होता है, कॉलेज से ही अपलोड किया जाता है और उसमें जो है वो देरी होता है, ठीक है। कॉलेज से कभी कभी क्या होता है, मार्क समय पर यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा जाता है, इसीलिए जो फाइनल रिजल्ट होता है वो बनने में देरी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले लिया जा रहा है, ये बाद में भी लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिया जाए या फिर बाद में लिया जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 27 मई से है। अगर आपको रूटीन अभी तक अपने कॉलेज का नहीं मिला है तो कॉलेज जाइए, कॉलेज से जानकारी लीजिए कि आपका जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब से है, ठीक है। नोटिस आपको कॉलेज से मिलेगा, इधर उधर कहीं ग्रुप में आपको दिख जाए तो ठीक है, अगर नहीं दिखे तो 27 मई तक जो है वो आप कॉलेज पहुंच जाइए, वहां पे सारा जानकारी ले लीजिएगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूटेगा, जिम्मेदारी आपका, ठीक है। अब बात करेंगे पार्ट टू फाइनल एग्ज़ाम डेट, सब्सिडरी या ऑनर्स बीए बीएससी बीकॉम का जो एग्ज़ाम है थ्योरी पेपर का कब से स्टार्ट होगा। तो पिछले वीडियो में जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, सब्सिडरी पेपर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो 1 जून से 8 जून तक चलेगा और इसके 3-4 दिन बाद या 1 सप्ताह के अंदर आपका एग्ज़ाम थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो अंदाज़ा अगर लगा लीजिए आप तो 1 से 8 तक प्रैक्टिकल चल रहा है, तो 8 को मान लीजिए आपका पूरा जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम खत्म हो रहा है, पार्ट टू का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 8 तारीख को खत्म हो रहा है। तो 2-3 दिन आप बीच में गैप लेके चलिए, उसके बाद जो है वो 2-3 दिन गैप लेके चलने के बाद जो आपका डेट आता है, जो हफ्ता शुरू होता है, उसी हफ्ता में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए जो है वो आप 10, 11, 12, 13, ठीक है, इसके आसपास जो है वो एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपका रूटीन वगैरह जो है वो, या फिर डेट का जो कन्फर्म है नोटिस है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो आपको इसी बीच में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 27 मई से, थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम जो है वो 8 तारीख के बाद कभी भी 1 सप्ताह के अंदर स्टार्ट हो सकता है, 10, 11, 12, 13, ठीक है, इसी के आसपास जो है वो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, जो कि नोटिस ऑफिशियल अभी जारी नहीं हुआ है। ऑफिशियल नोटिस जारी होने के बाद आपको बता दिया जाएगा, ऑफिशियल नोटिस फ़िलहाल सिर्फ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जारी हुआ है, इसीलिए उसका कन्फर्म है वो बता दिया गया। थ्योरी पेपर का कन्फर्म नहीं है, क्योंकि थ्योरी पेपर का नोटिस जारी नहीं हुआ है, ना कोई रूटीन आया है, ना कोई ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको जो है वो दिखा सके, ठीक है। तो थ्योरी पेपर का जो है वो उसी के आसपास 10, 11, 12, 13 के आसपास जो है वो स्टार्ट हो सकता है, जो भी जानकारी मिलता है यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।